करेगी मौज। और ये बहुत ही ट्रू है, हर जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ यही देखती हूँ कि गुरुजी की जो फौज है, गुरुजी के जो संगत है, वो जैसे खुश है, वो गुरुजी की कृपा है बस। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। और सेकेंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से शुक्राना शुक्राना मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप का, जो अब फेसबुक ग्रुप ही नहीं रहा है, वो एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है गुरुजी की, जो जूम पे भी है और यूट्यूब हर जगह है। एंड वो शुरू होता है थैंक्स टू सुरेश वासन अंकल्स एफर्ट्स। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सिर्फ अंकल, बट आई से हिज बिगेस्ट एफर्ट, क्योंकि वो थ्रेड हैं जो एक एक मोती को लेके उसको एक मोती की माला बना रहे हैं गुरुजी के लिए। तो एक एक वो अपने सेवादार को चुन चुन के मोतियों जैसे साथ साथ करके, और एक एक करके जो भी संगत हैं जिनको जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, वो सारे डिफरेंट कलर्स ऑफ मोतियाँ लेके एक प्यारे से थ्रेड में लेके वो गुरुजी के चरण में डाल रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा शुक्राना। तो ये मुझे तो यादा सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन मैं मिडल ईस्ट में रहती हूँ तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत अरबिक बोलने को आती है। मैंने कभी पढ़ी नहीं है, यहाँ काम करते करते धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से सीख ली है। तो मोस्टली मैं हिंदी इंग्लिश में ही बोलूँगी, क्योंकि संगत जो जुड़ी हुई है वो हिंदी इंग्लिश में अंडरस्टैंड करेगी। बट मेरा मन था कि मैं थोड़ा थोड़ा बहुत, सिंस दिस इज़ अ मल्टीलिंगुअल ग्रुप, थोड़ा मैं अरबिक में सत्संग शुरू करूं, क्योंकि अगर कोई भी संगत जिसको अरबिक आती है थोड़ा भी वो सुन ले, या कोई जो अभी संगत नहीं है और सुन के जुड़ जाए, तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। तो लेकिन मेरी अरबिक परफेक्ट नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है, तो अगर जो अरबिक जिसको आती है और वो सुनते, और अगर मैं कुछ मिस्टेक करती हूँ जो मुझे मालूम है मैं करूँगी, उसके लिए मैं पहले से ही बहुत 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 सॉरी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। तो अनशूफ गुरु जी, अस्सलाम वालेकुम अनशूफ गुरु जी, कबल शवे सना फी वाजिद मुश्किलाना अना फी बेबी मुजैन अना वाजिद एबची मलहादा बदेन अनशूफ गुरु जी महाराज सोरा फी आना उक्ति गुल सभी बस सली मल गुरु जी एंड गुरु जी सभी कुलु जैन इंशाल्लाह। सो आना बस सभी शूफ गुरु जी बाद आना शूफ आना बेबी माई जी जैन बस आना फी वाजद मुश्किल आबाद आना फी कुल्लू आवार मल बतन मल सुदा बाद आना आरफ गुरु जी हादा गुरु जी सवि सली कुल्लू आवार रो अनमाय अकिल दवा अनमाय सवि शे अनगुल वाजिद शुक्राना गुरु जी वाजिद शुक्राना अना गुरु जी वाजिद वाजिद अना हैब हाँ गुरु जी अना गलबी अना नूरी अना हयाती अना कुल्लू गुरु जी सभी कुल्लू जैन माय अन माई जी मुश्किल अन माई जी ए मुश्किल बाद आना शूफ गुरु जी। सो अनंतम शुक्राना शुक्रान शुक्रान गुरु जी अल्हम्दुलिल्लाह अलहैन अना शूफ गुरु जी अना आरफ गुरु जी बस कुल्लू नफर आरफ गुरु जी कुल्लू ई जी जैन मल हादा ए शेफी मुश्किल। तो थैंक यू गुरु जी, मैं यादा नहीं बोलूँगी, मेरे को जो थोड़ा बहुत आता था मैंने बस यही बोला कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरा सारा, मुझे मेरे बच्चे को प्रॉब्लम थी और मेरी बहन मुझे ले गई थी जिसने मुझे ये फोटो गुरु जी की, स्वरूप गुरु जी का दिखाया,
और मेरे बेटे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे भी जो जो प्रॉब्लम्स थी वो सब दूर हो गई। मेरे को जो दर्द थी वो सब दूर हो गई, ये सब गुरुजी की कृपा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे लिए होती थी वो मेरे काम की थी, जिस वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। कि मैं जब काम पे जाती थी तो मेरे बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते थे। मुझे ऐसी ऐसी जगह रखा था जहाँ रात रात भर मैं सो नहीं पाती थी, और मुझे रात भर जाग के देखना पड़ता था। और मैं बहुत 2 3 4 साल से कोशिश कर रही थी कि मेरा चेंज हो जाए, लेकिन मेरी बात नहीं सुन रहे थे। और रात को एक रात में बस बैठ के रात भर जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी लिखती थी। मुझे नहीं मालूम क्यों, जस्ट मैंने एक स्वरूप गुरु जी का फेसबुक पे देखा तो मैंने जय गुरु जी लिखा, एंड इट जस्ट कंटिन्यूड कि मैं बार बार जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी लिखती गई। और जब सुबह हो गई तो मुझे जो लास्ट स्वरूप मैंने देखा और लिखा जय गुरु जी, इट वॉज रिटन कल्याण किता जा ऐश कर। तो मुझे ऐसे लगा गुरु जी मेरे साथ बात कर रहे हैं। और उसी एक हफ्ते में गुरु जी की कृपा से मेरा जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई, और मैं ऐसी जगह चली गई जहाँ पे बहुत अच्छा था। और एक बात इसमें बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ मांग के गुरु जी से आपको मिलता है तो वो परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि गुरु जी बोलते हैं मांगो मत मनो। तो जो मैंने मांगा था वो थोड़े 2 3 साल ही था, उसके बाद वो मुझसे स्ट्रिप हो गया। मीन्स मुझे वापस उस जगह पे पहुंचा दिया जहाँ पे मैं बहुत दुखी थी, लेकिन अब मैं अलग थी। क्यों? एक बार ही आप गुरु जी के साथ जुड़ जाओ तो ये आप प्लीज मत सोचो कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है। तो हमारी यहाँ पे आंटी जिसका भी शुक्राना, जिससे हम गुरु जी से जुड़ पाए हैं, ऑब्वियसली हमारी जर्नी अपनी है, लेकिन एक जरिया होता है जो गुरु जी ने भेजा हुआ है, जिसकी वजह से हम जुड़े हुए हैं। तो उनसे मैं जब रिसेंटली बात कर रही थी तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट द पाथ टू गॉड इज मर्सीलेस। और मुझे ये समझ में आ गया था क्यों आंटी ने बोला था, क्योंकि फिर से ये महीना मुझे वहीं पे डाल दिया जहाँ से मैं शुरू हुई थी, लेकिन मैं हिली नहीं। बस इतना मुझे लगा कि गुरु जी आप मेरे कुछ कष्ट काट रहे हो, आप मेरे कुछ प्रॉब्लम्स निकाल रहे हो। इसीलिए ये सुबह के टाइम हुआ, शाम को मेरे पैर ट्विस्ट हो गया और मैं वॉक भी नहीं कर रही पा रही थी। तो मैंने भी उसके लिए भी शुक्राना किया, शुक्राना गुरु जी आपने मेरा फिर कुछ और कष्ट डाल दिया, आपने मेरा कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बुरे कर्म किए, मुझे बख्शो गुरु जी, लेकिन जो जो मेरी प्रॉब्लम्स है ये आपने मेरे को मालूम है कि वो 10% कर दिए, जो 100% में से 10% मैं काट रही हूँ। 90% मुझे मालूम है मेरे महाराज वो आप ही ले रहे हो, क्योंकि गुरु जी महाराज से एक बारी आप जुड़ जाओ, एक बारी गुरु जी का नाम ले लो, एक बारी अपने गुरु को अपने दिल में समा लो, आपको पता चल जाएगा कि कभी भी जो भी बुरा हो रहा है, जो भी पेन हो रही है, जो भी सफरिंग हो रही है, वो गुरु जी की वजह से नहीं हो रही, वो हमारे बुरे कर्म हैं। और गुरु जी महाराज महाशिव हैं, भगवान हैं। तो चाहे कितना आप सफर करो, लास्ट तक आप उनके चरण पकड़ के रहो, आप उनका नाम चैंट करते रहो। आप चाहे लास्ट में आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी 60 पे आ गया है, माइंड में आप बस उनको शुक्राना करते रहो, उनका नाम लेते रहो, और उनको बस बोलो कि गुरु जी आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही महाराज हो, मैं आपको सब सरेंडर करती हूँ। अगर आपको मुझे लेके जाना तो ले जाओ, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आप देखना उसी टाइम गुरुजी आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 99 कर देंगे। ये एक विश्वास है गुरुजी के प्यार का, एक एक विश्वास है गुरुजी पे। इस विश्वास को कभी मत छोड़ना। आपके साथ कुछ भी हो जाए, गुरुजी के चरण को कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक भगवान अपने भक्त को कुछ दुख नहीं देंगे, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं देंगे। और अगर वो प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स आ भी रहे हैं वो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स, जो हमारे को कष्ट काटने, जो हमारे हमारे माड़े कर्म हैं वो हमको काटने ही हैं, गुरु जी को मालूम है, लेकिन वो हमारे टेस्ट ले रहे हैं। क्या वो प्रॉब्लम आएंगे और हम बस बोलेंगे अच्छा प्रॉब्लम आ गया गुरु जी बाय? नहीं, वो ये टेस्ट ले रहे हैं कि गुरु जी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम खराब हैं, लेकिन हम आपकी चरण को नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी शरण को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही गुरु जी ने जब पैंडेमिक शुरू हुआ उन्होंने ही जूम का प्लेटफॉर्म शुरू किया कि रात को उन्होंने बोला था कि रोज रात को सत्संग करना है, रोज रात को प्लेस लिस्ट लगानी है, संगत जुड़ेगी। मुझे बहुत और लगा था जब पहली बार मुझे ऐसे लगा था कि गुरुजी मेरे साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके लिए। तो मैंने बोला कौन रोज रात को बैठेगा मेरे साथ और सत्संग सुनेगा, किसके पास टाइम है? लेकिन गुरुजी का हुक्म था। और फर्स्ट थिंग, अगर हम कुछ भी चीज़ पुरानी संगत से, हमको जो एक सोची जो उन्होंने दी है, जो एक एक सीख दी है कि हमको गुरुजी का हुक्म मानना है। और गुरु जी का हुक्म हमको कैसे पता चलता है, लोग कहते हमें कैसे पता चलता है? द फर्स्ट थॉट विच कम्स टू योर हेड विच हैज एनीथिंग पॉजिटिव, वो गुरु जी का हुक्म है, यू मस्ट टेक इट। तो जब ये थॉट आई, मैंने वही आंटी जो हमारी है पुरानी संगत उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि करो, गुरु जी का हुक्म है तो करो। तो ये लास्ट ईयर जुलाई 22 शुक्राना गुरु जी, एवरी डे डेली सिंस जुलाई 22 टिल टुडे गुरुजी ने रोज रात को सत्संग रखवाए, ये गुरुजी करवा रहे थे। और जब गुरुजी उस टाइम पे टेलीपैथिकली बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला था बिल्कुल ये सचखंड जैसा होगा, जो लोग इससे जुड़ेंगे वो लोगों की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। मुझे उस टाइम भी समझ नहीं आया था, तो लेकिन गुरुजी ने एक और चीज बोली थी, इवन इफ यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ यू मस्ट डू इट। ये मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था कि इफ आई हैव टू सिट विद माई सेल्फ सचखंड, ये नथिंग वॉज मेकिंग सेंस टू मी। बट एक हुक्म मानना कि ये रोज शुरू करना है, वो जरूर हुक्म मान के शुरू हो गया। तो फर्स्ट जो चीज़ थी वो मेरे साथ ये सॉल्व हुई कि जब मैंने लैपटॉप पे जो भी शब्द होते हैं वो लैपटॉप में होते हैं, तो उसमें शुरू किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि ऑन है या नहीं है, तो मुझे अपना मोबाइल पे भी ऑन करके एक बारी चेक करना पड़ता था। देन आई सॉ कि मेरा नाम और मेरा नाम साथ साथ में है। उस दिन मुझे समझ में आया, इवन इफ यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ यू हैव टू डू दिस। तो ये भी गुरुजी ने मेरा सॉल्व किया। फिर उसके बाद हम लोग 5 लोग शुरू हुए, गुरुजी का शुक्राना उन 5-7 संगत का, जो आज भी जुड़ी हुई हैं, वो आज भी डेली फ्रॉम 22 जुलाई टिल टुडे अटेंड करती हैं। उनका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उन्होंने मुझे एक पॉजिटिविटी दी, और मुझे मालूम है गुरुजी ने ही उनको भेजा है पॉजिटिविटी के लिए और ये कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि इवन इफ आई एम विद माई सेल्फ आई माइट स्टॉप डाउटिंग माई सेल्फ। तो ये डाउट्स आते ही नहीं थे क्योंकि मुझे मालूम था गुरु संगत वेट कर रही है, मेरे मेरे वो परिवार बन गए, तो मुझे मालूम था मेरा परिवार वेट कर रहा है मेरा शुरू करने के लिए। जैसे हम परिवार लोग बैठ के खाना खाते हैं पीते हैं, वे सेम वे से मेरा एक परिवार था जिससे रोज बैठ के हम संगत करते थे, सत्संग करते थे नहीं, मीन्स शुरू किया था और अभी तक करते हैं, और गुरु जी की कृपा रही तो करते रहेंगे। तो वो 5-7 लोग से फिर 13 लोग हो गए, सब 13 गुरुजी, फिर 17 लोग हो गए, एक साथ हो गए, और करते 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 अब गुरुजी की इतनी असीम कृपा के मोर देन 50 पीपल ज्वाइन। और ये जर्नी में कैसे 50 हो गया, क्योंकि गुरुजी का जो ये सचखंड था, एक एक जब जब जो जो नए संगत ज्वाइन होते गए उन्होंने बोला कि प्लीज अरदास कर दो, हमें नहीं मालूम था, हम तो गुरु जी के लिए सब करते हैं। तो हाँ, जो भी संगत वहाँ पे थी सब उनकी फैमिलीज के लिए अरदास करती थी, और वो संगत वापस आती थी शुक्राना करने के लिए कि शुक्राना गुरु जी, ये अरदास पूरी हो गई और वो फैमिली ठीक हो गई।
ऐसे करते करते बहुत फैमिलीज गुरु जी की कृपा से, बहुत लोग गुरु जी की कृपा से ऐसे हील होते गए, क्योंकि ये सिर्फ गुरु जी ने बोला था कि जो भी ये सत्संग अटेंड करेगा उसकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, मैंने नहीं। और उसके लिए भूल चूक माफ, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या कह रही हूँ या सोच रही हूँ तो सॉरी गुरु जी। लेकिन ये गुरु जी मुझे हमेशा दिखाते रहते थे, जब जब मैं आंख खोलती थी और एक गुरु संगत ज्वाइन करके बोलती थी कि प्लीज, रोती थी, उसके थोड़े दिनों के बाद वो खुश हो जाती थी, वो शुक्राना करती थी। और कल रात को तो एक संगत, उसी टाइम अंकल ने सत्संग किया, उन्होंने बोला कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी और मैं सोच रहा था मेरे पास कोई सत्संग नहीं है। इंडिया का टाइम उस टाइम 3 बज रहे होते हैं सुबह के, तो वो बोल रहे थे मेरे पास कुछ नहीं है, और किसी ने मुझे ये लिंक भेज दिया और मेरा नाक बंद था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। और मैंने जैसे ही लिंक खोला और सत्संग किया, उसके बाद उन्होंने बोला मेरा अपने आप नाक खुल गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये शुक्राना गुरु जी का है, ये नहीं है कि इसमें हमारा मेरा तेरा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है, ये गुरु जी का प्लेटफॉर्म है। क्या शब्द चलने हैं, क्या मंत्र जाप चलना है, कौन संगत ज्वाइन करने वाली है, क्या होने वाला है, सब उन्हीं का है। और मैं एक और चीज आंटी को बोल रही थी, कई लोगों को क्या होता है कि एक ही सत्संग एक हफ्ते में एक महीने में काफी होता है उनके लिए, लेकिन ये रोज का मेरे लिए क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जो लेवल है वो बहुत लो है। जब तक जैसे हम लोग रोज नहाते हैं वैसे, जब तक मैं रोज सत्संग नहीं करूं मैं ठीक नहीं होती। और एक बारी सिर्फ सत्संग करने से भी मेरे को कुछ नहीं होता, मुझे बार 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 गुरुजी चाहिए। मैं जितना गुरुजी को ऑब्जर्व करूं वो कम ही है। तो जैसे ही मैं, जैसे हमारे मोबाइल्स हैं, एक मेरे को लगता है अब यहाँ पे सत्संग है, वो खोल देती हूँ, वो जैसे ही समाप्ति होती है वैसे ही ढूंढती हूँ कोई और मिल जाए, कहीं और दिख जाए, कुछ और मिल जाए, वो मेरी भूख कभी खत्म ना हो गुरु जी। क्योंकि गुरु जी ने ही बोला था कि अगर तुम जय गुरु जी कह रहे हो तो आपके सेकेंड टाइम जय गुरु जी कहना भी उन्हीं के हाथ में है। तो अगर हम सत्संग सुन रहे हैं तो सेकेंड टाइम भी सत्संग सुनना, वो भी गुरु जी के हाथों में, जब तक वो नहीं चाहेंगे हम नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी थैंक यू, आपने मुझे इतना लायक समझा कि मैं बार 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 जितनी मेरी भूख है आप मेरी कंप्लीट करते रहते हो। जो जो मेरे को, जैसे सुबह एक आंटी का सत्संग सुनना, जो मेरे को ऐसे दिल में लग जाता है, वो सिर्फ गुरु जी करवा सकते हैं। और एक जो हमारी आज सेवादार सखी आंटी, गुरु जी इज रियली, शी इज ब्लेस्ड सेवादार, क्योंकि वो बिना किसी उसके, वो यू नो शी इज ऑलवेज इन सेवा, गुरु जी सेवा। तो थैंक यू गुरु जी फॉर सच अ ब्यूटिफुल सेवादार। नाउ आई एम टेकिंग हर नेम, आई विल टेल यू कि उनका और मेरा कनेक्शन क्या है। कि एक दिन मेरा बेटा काफी बीमार हो गया एंड उसका एक्चुअली ब्लड प्रेशर काफी हाई था, और मैं उसको हॉस्पिटल से लेके आई थी, लेकिन उसको लेके आई थी एंड आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। सडनली आंटी सखी आंटी का मैसेज आता है कि आर यू अटेंडिंग एनी सत्संग? सो मैंने बोला नहीं। उन्हें मुझे एक लिंक भेज दी, अटेंड दिस। तो ये देखो ये कौन कर सकता है, ये गुरुजी अपनी संगत से कर सकती है ना। और एक संगत हमारी बहुत ऐसे पता नहीं प्यारी होती है जो ऐसे मैसेज भेज देती है। तो जैसे ही मैंने लिंक खोला और पुरानी संगत एक आंटी थी वो सत्संग सुना रही थी, एंड शी वॉज टेलिंग अ सत्संग अबाउट हर डॉटर एंड कैसे वो अपने स्कूल में ठीक नहीं करती थी, एंड शी वॉज ऑलवेज एंग्री विद हर, एंड उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और गुरु जी ने उनको डांटा कि वो मेरी बेटी है, उसको तू कुछ नहीं बोलेगी। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरु जी ने सखी आंटी से, इन संगत से मेरे को मैसेज दिया कि एक तो मैं अपने बेटे को कुछ मत बोलूं, वो गुरु जी का बेटा है, वो ही उनको मैनेज करेंगे। और मेरे आंखों में आंसू निकलते जा रहे थे, क्योंकि वो भी हमारी हीलिंग होती है। अगर कोई संगत आपको कोई मैसेज भेजता है, वो मैसेज आप, मैसेज मींस के
ये खोल लो, सडनली समबडी विल मैसेज ये सत्संग अटेंड कर लो, या ये संगत का मीन्स सत्संग सुन लो यूट्यूब पे. ये मत सोचो कि ऐसे ही भेज दे और इग्नोर करो, लेकिन आप खोल के एक बार ही सुन लो, क्योंकि क्या पता वो एक गुरुजी का मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं. और गुरुजी अपनी संगत से ही कन्वे करते हैं या टेलीपैथिकली करते हैं. लेकिन मैं अपना बोलती हूँ, कितना भी करूँ, मेरा बहुत रेयर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है, लेकिन गुरुजी अपनी संगत से ही मैसेज भेजते हैं. अपनी अलग अलग रूप में गुरुजी अपना मैसेज भेजते थे, उसका बहुत शुक्राना गुरुजी. जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, उन्होंने मेरा घर शिफ्ट करवाया, उसके बाद उन्होंने मुझे इतने सत्संग दिए, इतने सत्संग दिए, कुछ ना कुछ वो दिखाते रहते हैं. कभी ओम किसी शेप में, कभी हार्ट, कभी कुछ, मीन्स आई कैन नॉट टेल यू. एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं जब मेरा बेटा डायग्नोज हुआ था ऑटिज्म से, विच वॉज मे बी अराउंड 18-19 years back, तो उसके 2 साल बाद मैं शिरडी साई बाबा से कनेक्ट हो गई थी. मेरी बहन ने साई सच्चरिता दी थी, तो उस टाइम पे आई थिंक गुरुजी ने मेरी कनेक्शन शुरू कर दिया था और हीलिंग शुरू कर दी थी. तो जब मैं ये पढ़ती थी, तो उसमें सबने पढ़ा होगा, जिस जिसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ कि बाबा को जो ऑयल ग्रोसर्स होते हैं, उन्होंने उनको ऑयल नहीं दिया था दिया जलाने के लिए दिवाली पे, तो उन्होंने पानी से दिया जलाया था उस दिवाली पे. तो एक दिन जब मैंने घी डाला दिया में, तो मैं गुरुजी के नाम का दिया लगाती हूँ, तो मैं बोली थी ये चल ही नहीं रहा था. मैंने बहुत कोशिश की, बार 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 मैंने फिर गुरुजी को बोला, क्या गुरुजी बाबा ने ये तो पानी में भी दिया लगा दिया था, आप मेरे घी में भी नहीं लगाने दे रहे हो, ये क्यों? और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एक नहीं, उस दिन सेम दिया पे दो दो दिया चल रहे थे, जब वो सिर्फ एक विक दिया का वो है लैम्प, और एक बिल्कुल सेंटर में, जैसे एक आइलैंड के अंदर एक दिया खुद बाहर आ गया था. तो गुरुजी ने का बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझे दिखाया कि पानी में नहीं, घी में नहीं, मैं कुछ भी कर सकता. और मैंने उनका शुक्राना किया और उनको बहुत सॉरी किया कि मैंने ऐसे बोला भी. हम लोग स्टूपिड हैं, हम लोग बहुत स्टूपिड चीज़ें बोलते हैं, बहुत टाइम्स गुरुजी को चैलेंज करते हैं, लेकिन हमको नहीं करना चाहिए. सबसे बड़ी सीख, अगर मीन सीख तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, कुछ नहीं सिखा सकते, लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी को बस मानो, संगत जी मानो, मांगो कुछ भी मत. आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इस कोरोना के टाइम में, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप तब भी सिर्फ मांगो, नहीं मानो गुरुजी को. और जो गुरु संगत है उसको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप डगमगाओ मत, क्योंकि जहाँ पे हम लोग डगमगा जाते हैं और वी स्टार्ट डाउटिंग, वहीं पे हमारा सब कुछ खराब हो जाता है. एक जब जिस जिसने ये स्टोरी सुनी है कि जो अगर पानी है उस पे अगर एक स्टोन रख दो और राम का नाम लिखो, और वो वॉक कर लिया उन्होंने टू लंका फ्रॉम दैट स्टोन ऑफ राम, लेकिन जिसने डाउट कर दिया कि वो राम नहीं है, वो डूब गया. सो द बिगेस्ट थिंग इज विश्वास. वैसे ही एक शब्द में, बानी में भी एक है, मैं स्टोरी नहीं बोलूंगी क्योंकि ये हम लोग सुनते हैं तो मुझे समझ नहीं आता उसको क्या बोलूं, कि एक औरत थी जो हमेशा सुनती रहती थी कि भगवान को पे विश्वास रखो कि तो कुछ भी हो सकता है, तो भगवान का नाम लोगे तो कुछ भी हो सकता है. तो वो नाम लेते लेते चल के नदी से अपने घर के लिए नदी पार किया उसने चल के, और हमेशा ऐसे ही करती गई. और जब उसने पुजारी जी को बुलाया मंदिर का, जिससे उसने सीख सुना था और सीखा था, और वो रेडी नहीं था वॉक करने के लिए, और वो क्योंकि उसको विश्वास नहीं था. एक होता है कि हम लोग सिर्फ एक रिचुअल करते जाएं, और एक होता है कि विश्वास रखें. तो रिचुअल्स मत,
पे मत जाओ। गुरु जी आए थे रिचुअल से निकालने के लिए। ये मत सोचो कि अच्छा आज तो मेरा ये चल रहा है मंथली, मैं नहीं करूंगी, आज तो ये है मैं नहीं करूंगी, आज इसके साथ ये हो गया मैं नहीं करूंगी। नहीं, आप किसी भी ये सारे वहमों से बाहर निकलो। गुरु जी सिर्फ प्यार चाहते हैं। आप चाहे सिख हो, आप चाहे मंथली उससे चल रहे हो या कुछ भी हो, आप गुरु जी को मत छोड़ो। आप गुरु जी का दिया लगाओ, आप गुरु जी से प्यार करो। एवरी डे लुक एट हिम एंड टेल हिम यू लव हिम एंड हग हिम एंड किस हिम एंड टेल हिम, गुरु जी मैं आपके बिना नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं बस आपसे हमेशा रोज एक ही चीज मांगती हूँ गुरु जी, आप बख्शनहार हो, बस हमें बख्श दो, बख्श दो। और हर एक चीज जो चल रही है, चाहे आप जितना भी बीमार हो, लेकिन आपकी और जो चीजें आप कर रहे हो उसका शुक्राना करते रहो। चाहे आप सांस नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आप देख पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, बोल पा रहे हो, उसका शुक्राना करते रहो और बोलते रहो, बख्श दो महाराज, बख्श दो, हमारे जो खराब खराब माड़े कर्म है उनको बख्श दो, क्योंकि एक आप ही हो बख्शनहार। और आप देखो गुरु जी जरूर आएंगे, जरूर सुनेंगे, जरूर बख्शेंगे, लेकिन आपको विश्वास रखना है। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने सारे वो जो पुराने सत्संग है ऐसे, क्योंकि बहुत लोग सुन लेते हैं, तो मैं किसी को बोर नहीं करना चाहती, बस यही चाहती थी कि ये जो गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं वो बोल दूं, क्योंकि मैंने इसका कुछ प्लानिंग नहीं किया है। मैंने बोला था गुरु जी जो आप चाहते हो आप बुलवाना अपनी संगत के लिए, क्योंकि ये आपका है प्लेटफॉर्म, ये आपकी संगत है, आप जानते हो किसको क्या सुनना है। और जो पॉइंट गुरु जी बार बार मेरे मन में डाल रहे हैं कि कोई भी गुरु संगत किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रही है, प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी को बस बोलो बख्श दो मुझे, और शुक्राना करो फॉर जो जो है हमारे पास, जो लोगों के पास नहीं है, जो हमारे पास है, और गुरु जी जरूर सब कुछ ठीक कर देंगे। आपके जो जो रिलेटिव्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू एनीथिंग, प्लीज उनको आप मंत्र जाप भेजो, चाहे यूट्यूब का मंत्र जाप भेजो, और आप बोलो ये लगा दो, जो जो मरीज है उनके बेड साइड पे लगा दो, जोर से लगा दो, स्लोली लगा दो, खुद कर लो, लेकिन ये चलना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप में ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है जो किसी को जो जा भी रहा है ना वो वापस आ जाता है। और ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। एक हमारी आंटी जो संगत में हमारे साथ ज्वाइन करती है, उनके हस्बैंड को मैं रोज देखती थी हॉस्पिटल में, एक एक उन्होंने जैसे गिव अप कर दिया था, क्योंकि मैं डॉक्टर होके आईसीयू जा सकती थी, वो उनकी आंखों से ही मुझे लगता था। और एक बारी ऑलमोस्ट सब मींस उनकी एक एक ऑर्गन्स शट डाउन होने लग गई थी, और आईसीयू के बाहर डॉक्टर ने आके बोला था कि हम ऑलमोस्ट गिव अप कर रहे। और उसी टाइम संगत जो बाहर बैठे हुए थे, एक संगत है उसने बोला आंटी सब बैठो सब मंत्र जाप करेंगे, और ये बाहर की कंट्री है, हम लोग मिडिल ईस्ट में है, और सब लोग ऑलमोस्ट कितने लोग 7-8 लोग बैठ के जोर से मंत्र जाप करने लगे। किसी ने आके उनको नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं बोला, और उसके करते करते 5 मिनट्स में डॉक्टर भाग के आए और बोले एक ऑर्गन चलने लग गया है और दूसरा चलने वाला है। मींस आप देखो गुरु जी के मंत्र जाप की शक्ति, के ऐसे करके ही उसी टाइम विदाउट फेल विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट गुरु जी ने उनका एक ऑर्गन शुरू कर दिया, और उनकी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं, और अब वो बिल्कुल गुरु जी की कृपा से ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस स्टेट में वो थे उससे तो आई थिंक बहुत बेटर हैं। और सॉरी भूल चूक माफ आंटी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, लेकिन मेरे मन में आया ये शेयर करने के लिए। गुरु जी करवाते हैं कि मंत्र जाप में जो शक्ति है वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो डायरेक्टली मंत्र जाप कर लो। अगर इतना स्ट्रेस हो रहा है कि आप मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हो, तो उसी टाइम जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करते रहो। आप देखो आपकी जो भी प्रॉब्लम है कैसे टर्न अराउंड होती है।
मुझे माफ कर देना, मैं किसी को कोई लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है बस वही बाहर आ रहा है। आजकल डॉक्टर्स के लिए सीन बहुत अच्छा नहीं है, हम लोग रोज आके हॉस्पिटल में फाइट करते हैं, और ये फाइट सिर्फ कर पा रहे हैं क्योंकि गुरुजी की कृपा है। मैं रोज गुरुजी का जो भी शब्द, जो भी मंत्र जाप है, अपना ब्लूटूथ में लगा के एक कान में रखती हूँ कि गुरुजी प्लीज 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 हमेशा साथ में रहना, नॉट ओनली मी सर्वदा भला, कि जो जो इस हॉस्पिटल में मेरे को मिल रहा है या दिख रहा है या है, वो प्लीज उनको ब्लेस करते रहना जैसे आप कर सकते हो। तो बस यही हमेशा मेरे साथ 24/7 रहता है कि मैं गुरुजी को सुनती रहूं, और को अगर मैं नहीं तो कोई ना कोई ब्लेस कर हो जाए। और ऐसे कल मेरे जैसे ही ड्यूटी बदली, मैं बहुत दुखी थी क्योंकि हम इंसान हैं, दुख तो आएगा, और जो अगर चीज जिससे आप बहुत हेट करते हो वो मिल जाए तो उससे तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन हो जाती है। तो मैं थी उसमें, मेरे को हो गया था, मैं यही बोलती गई गुरु जी मेरा कष्ट काट रहे हो इसीलिए, लेकिन मैं दिल से बहुत उदास थी। तो उसी टाइम में एक आंटी, संगत आंटी का फोन आया, और पता नहीं क्यों मैंने उनको बता दिया कि आंटी ऐसा हो गया है मेरे साथ। तो आंटी बोलती है कि मेरे को गुरु जी जैसे बोल रहे हैं। मैंने बोला आंटी मुझे ऐसे लग रहा है कष्ट काट रहे हैं। आंटी बोल रहे हैं हाँ तेरा कष्ट काट रहे हैं, लेकिन मुझे गुरुजी बोल रहे हैं कि जो जो उस दिन तुम्हारे पास आने वाला है तेरे को उसको ब्लेस करना है, इसीलिए उन्होंने उस तेरे को उधर भेजा है। तो ये देखो गुरुजी अपनी संगत से एक और मैसेज भेज देते हैं, और मैं उसी टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है गुरुजी आप मुझे इतना प्यार करते हो कि आप दूसरों को ऐसे ब्लेस करने वाले हो। तो हमेशा सरबत का भला अंदर दिल में रखो, आप जिससे भी पास बाय करते हो, चाहे आप उसको पसंद करते हो या नहीं भी पसंद करते हो, प्लीज उसका भला ही सोचो, क्योंकि गुरुजी ने जो हमारे सामने, जिसको हमारे सामने रखा है, और जो जो हमारे साथ, चाहे वो प्रॉब्लम्स है, नई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो हमारे खुद के कर्म है। तो हमको ये कर्म जो है वो काटने पड़ेंगे, जो भी कष्ट है वो हमारे पुराने कर्मों से हैं। और अगर कोई जो आप जिसके साथ आप लड़ाई भी कर लो, प्लीज उसके लिए भी आप बस प्रेयर करो, आप उनके लिए भी बस हमेशा अच्छा ही मांगो कि गुरु जी मुझे नहीं मालूम मेरे क्या पुराने कर्म है, क्या पुराना संबंध है जो आप अभी हमारे साथ ऐसे कर रहे हो, लेकिन उसको भी ब्लेस करो गुरु जी, उसको भी ब्लेस करो। जितना आप दूसरों को ब्लेस करोगे आपको उतनी ब्लेसिंग मिलेगी। मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है करना, इट्स नॉट ईजी वेन यू गो थ्रू इट, इट्स नॉट ईजी टू जस्ट कीप सेइंग ओके लेट इट बी आई फॉरगिव। नो, हम लोग, हम भगवान थोड़ी ना है, हम इंसान हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जो हमारी संगत एक जुड़ती आंटी, वो हमेशा लास्ट में बोलती है सरबत दा भला, सरबत दा भला, सरबत दा भला। उनसे मैंने ये सीख लिया कि बस, और अब मेरे मन के अंदर हमेशा यही चलता है सरबत दा भला, सरबत दा भला। आपके पास, आप गुरु संगत हो, आपके पास, चाहे आप नई हो पुरानी हो, डजेंट मेक अ डिफरेंस, कोई भी सेवा आपके सामने आती है प्लीज उस सेवा को ले लो और प्रेम से निभाओ। सेवा सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, और किसी भी चीज़ का ऐसे मत सोचो कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे को ऐसे हुआ था जब मैं जुड़ी थी। तो ये सेवा एक आंटी को वहाँ पे सत्संग के लेके जाने की थी, और मैंने उनको बोला नहीं आप इधर आ जाओ, ये कर दो वो कर दो, इतने मैंने वो कर दिए थे। उसी रात गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि सेवादार जो दिल्ली में है वो वेस्ट दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली, कोई भी जगह से लेके संगत को लेके आते थे, बड़े मंदिर, एम्पायर स्टेट, जहाँ पे भी। एक बारी आप गुरुजी के शरण में आ गए हो, आप उनके सेवादार बन गए हो, आप अपनी कंफर्ट का बिल्कुल मत सोचो। जितनी कठिन सेवा उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स, इतना आप याद रखो। जितनी आपको प्रॉब्लम्स उस सेवा से आएगी, आपको उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो सेवा को आप कभी मत मना करो, हमेशा बस गुरुजी जो हुक्म करके आप करो, क्योंकि संगत में ही गुरुजी बसते हैं। तो किसी संगत ने आपको कुछ सेवा दी है, ये आपके लिए ही कुछ है, कुछ ब्लेसिंग्स है।
जैसे आज मॉर्निंग में आंटी ने बोला था कि उनकी बेटी की शादी थी पुरानी संगत ने, और गुरु जी ने सब संगत को बुलाया था, तो उनके रिलेटिव्स में से ऑलमोस्ट कोई नहीं था, लेकिन उनके सारे जो संगत वहाँ पे थी वो सारी संगत आई हुई थी, 90% संगत थी। और आंटी ने बोला उसी टाइम उनकी बेटी बीमार हो गई लेकिन वो ठीक हो गई। तो गुरुजी ने उनको ये समझाया कि यहाँ पे जो संगत आई है उनका एक एक ब्लेसिंग्स पुण्य उस बेटी को लगा है। तो उससे आप समझ जाओ कि अगर गुरुजी ने हुक्म दिया है कि आप ये अपनी कन्वीनियंस छोड़ो कि अच्छा मेरा ये आने वाला, मेरा चाचा नाना ये वो, नो, गुरुजी का हुक्म है कि ये लोग आने वाले हैं कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए भेज रहे हैं। आपके घर में कोई भी आदमी औरत आ जाए प्लीज उसको बाहर मत भेजो। आप जितना हो सके, आई नो अभी कोरोना के टाइम पे आप अंदर नहीं लेके आ सकते, लेकिन अगर आप किसी को देखो जो आप नहीं जानते हो, आप उसके लिए कुछ भी खाना पैक करके उनको दे दो हाथ में कि आप ये ले जाओ, क्योंकि आपको नहीं मालूम गुरुजी किस किस फेस दे के आपके पास आ जाएंगे, किस रूप में आ जाएंगे, आपको नहीं मालूम। जितना हो सके अच्छा करो, जितना हो सके अच्छा करो, क्योंकि ये नहीं है कि हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे या हम लोग बच जाएंगे, नहीं, ये आप जितना अच्छा कर्म करोगे उतना आप गुरु जी को खुश करोगे। रिमेम्बर यू लव गुरु जी एंड गुरु जी वॉन्ट्स यू टू बी गुड, यू ही वॉन्ट्स यू टू बी अ गुड पर्सन। तो अगर आप बस अच्छे बन जाओ, अच्छा सोचो, यू आर मेकिंग योर गुरु हैप्पी, एंड वंस गुरु जी इज हैप्पी डोंट वरी, आपको कुछ नहीं हो सकता है, आपके परिवार को कुछ नहीं हो सकता है। आपका परिवार चाहे आपके साथ बैठा है या ओशन सपाट आप बैठे हुए हो, जरूर गुरु जी आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और ऐसे कर सकते हैं जब आप दूसरे इंसान को अपना बच्चा मानो जो आप जानते भी नहीं हो। आप चाहे किसी के साथ चल रहे हो और एक छोटे बच्चे को देके अपनी लॉलीपॉप दे देते हो, चॉकलेट दे देते हो, ये आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने बच्चे को दे रही हूँ। ट्रीट ईच पर्सन एज योर ओन, दिस इज नाउ अ फैमिली। चाहे वो फैमिली अब पैंडेमिक की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकती है, लेकिन एक दूसरे के लिए अच्छा सोच सकती और जितना हो सके अच्छा कर सकती है। तो आप जितना हो सके अच्छा करो संगत जी, जितना हो सके बहुत खराब टाइम में संगत जी, रोज हम देखते हैं रोज हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है, आईसीयू के एनेस्थेटिस्ट तो रोज कितनी कितने लोगों को उनके सामने जा रहे हैं, कैसे डॉक्टर्स अपने दिल को लिटरली पत्थर, उन्होंने एक डॉक्टर यहाँ पे बोलते हैं मैं रोज देख रहा हूँ इतनी मौत, पहले तो मैं रोज रोता था अब तो आंसू भी नहीं आते। हमको तो शुक्राना करना चाहिए गुरु जी आपने हमें कितना सेफ रखा है, इतना अच्छी तरह रखा है, और हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि हम लोग सबको गुरु जी की तरफ जोड़े। प्लीज संकट जोड़ो, जो जो प्रॉब्लम से गुजर रहा है आपकी फैमिली हो फ्रेंड्स हो उनको जोड़ो, उनको बोलो मंत्र जाप करो, और कुछ नहीं जोड़ने का है तो आप बस बोलो मंत्र जाप करो, आप स्वरूप मोबाइल से भेज दो, इफ यू कैन नॉट बी विद दैट पर्सन सेंड थ्रू मोबाइल सेंड थ्रू ईमेल, यूज द सोशल प्लेटफॉर्म्स नाउ फॉर गुरु जी। प्लीज गुरु जी का बस प्यार स्प्रेड करो, स्प्रेड गुरुजीज लव टू एवरीबडी एंड एवरी वन विल बी सेव्ड। वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वैक्सीन मेडिकली गुरुजी बोलते हैं ना, डॉक्टर अपना काम करेंगे मैं अपना काम करूँगा, तो वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है, दवाइयाँ इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन गुरुजी का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप प्लीज सबको भेजो, सबको सेव करो, जो जो जुड़ सकता है वो सेफ रहेगा, 100% सेफ रहेगा, उसकी फैमिलीज भी सेफ रहेंगी। अगर एक भी संगत आज जुड़ जाए और गुरुजी का नाम ले, तो गुरुजी मैं बस आपका प्यार और बढ़ाना चाहती हूँ। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड बख्श दो गुरुजी, बख्श दो, मेहर करो आप,
मेहर करो और हम जैसे पापियों को बख्श दो गुरु जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू सखी आंटी, थैंक यू फुल शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का, क्योंकि गुरु जी की कृपा से आज मैं उनके साथ सेवा कर सकती हूँ। शुक्राना हर एक संगत का जो मेरे को इतना लायक समझता है कि मैं सेवा कर सकती हूँ। एंड आज के लिए मैं आज्ञा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मालिक, शुक्राना। ब्यूटीफुल सत्संग आंटी, ब्यूटीफुल। और कई बार क्या होता है ना, हमें अपनी जर्नी से ज्यादा कई बार हमें रीइंस्टेट करना होता है कि क्या जरूरी है। तो आज आपसे जो गुरु जी ने बुलवाया वो हम सबके लिए रीइंफोर्समेंट है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो आपने हम सबको गाइड किया, आपने इतने टेक अवेज दिए आंटी, इतने टेक अवेज दिए कि आई हैव नो वर्ड्स जस्ट टू से शुक्राना। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि शुक्राना में बहुत ताकत है। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो मेरी जिंदगी में पिछले 4 महीने से गुरु जी ने, मैं आज आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस शुक्राने में हूँ, वो सिर्फ शुक्राने से ही हूँ। गुरु जी ने शुक्राना करने का मुझे मैसेज दिया। आई वॉज वेरी रिलक्टेंट, मैं सत्संग शेयर नहीं करती थी। मुझे एक संगत ने बोला कि गुरु जी ने आदेश दिया कि करो, और आंटी वो दिन और आज का दिन है, मैं सिर्फ शुक्राना करवाया गुरु जी ने, और गुरु जी ने शुक्राना मल्टीप्लाई कराया। वो कहते हैं ना, जो हम मांगते हैं, जो हम बोलते हैं, वही होता है। शुक्राना करेंगे तो शुक्राना ही मिलेगा। शुक्राना मतलब खुशियां मिलेगी। और गुरु जी ने सही कहा, गुरु जी की फौज करेगी मौज। तो ऑफ कोर्स जो गुरु जी से जुड़ गया, और जिसने जय गुरु जी एक बार बोल दिया, वो तो गुरु जी का ही हो गया, फिर वो गुरु जी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो एक बात और आपने बोली कि जब एक दुख आता है ना, वो एक आने वाले सुख का अंदेशा होता है। क्योंकि सत्संग कैसे बनेगा, हम कैसे अपनी ब्लेसिंग शेयर करेंगे, कैसे अपना विश्वास महाराज प्रूफ करेंगे। तो महाराज पे जितना विश्वास है उतना ही वो अंदर लेके जाते हैं, और वैसे ही वो खींच के भी लेके आते हैं। आई हैव बीन थ्रू ऑल दैट, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड आप किस पोजिशन में और कैसे निकले हो। महाराज आप सबको इसी तरह ब्लेस करते हो, और हम सब ने बहुत गलतियां करी, बहुत जाने अनजाने, जिसका आज हम भुगत भी हम ही रहे हैं। तो महाराज प्लीज अपनी चरण शरण में लेके हमें माफ करो और हमको बख्श दो, बस बख्श दो। आज तृप्ता आंटी ने बहुत प्यारी सुबह एक अरदास की थी। तृप्ता आंटी, विल यू बी एबल टू डू दैट अरदास अगेन? आई रियली लव्ड इट। अगर आप कर सकते हैं तो, वरना कल कर देना, कोई नहीं आंटी। बहुत ही सुंदर अरदास थी वो, इतनी सुंदर अरदास, मतलब आंटी ने एक एक वर्ड को इतने प्यार से जोड़ा था उसमें, कोरोना से जो भी करेंट सिचुएशन है। माई गॉड, नो वर्ड्स टू से। महाराज आप हम सबको अपने चरण शरण में रखना, और हमारी भूल चुके माफ कर देना। हम आपके बच्चे और आप बख्शनहार हो दाता। बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। और संगत जी प्लीज आंटी के जितने मैसेजेस है टेक अवे करिए कि मास्क जरूर पहनना है, अपनी सेफ्टी पहले है, क्योंकि गुरु जी ने भी बोला है डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। दवाइयां भी तद लग दी जो गुरु जी ब्लेस कर देने, बट तो दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। डॉक्टर्स किस लिए है, वरना डॉक्टर्स ही गुरु जी ने डॉक्टर्स को ही ब्लेस किया। क्यों किया? क्योंकि आने वाले समय में वो ही हमारी हेल्प करने वाले हैं। नीलम आंटी हैं, आप हो, आप जैसे कितने और डॉक्टर हैं जो सेल्फलेस सेवा खड़े कर रहे हैं वहां खड़े होकर। सो तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। सुरेश अंकल प्लीज ओवर टू यू फॉर शुक्राना। जय गुरु जी। मेरे ख्याल तृप्ता आंटी भी बताएंगी। तृप्ता आंटी शी इज को होस्ट नाउ। तृप्ता आंटी प्लीज, आप अरदास करेंगी तो मजा आ जाएगा। आई जस्ट लव दैट अरदास दिस मॉर्निंग। शुक्राना महाराज। तृप्ता आंटी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को प्लीज। जय गुरु जी। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नीलम आंटी से। डॉक्टर नीलम आंटी, निमेश निमेश अंकल, प्लीज मेक आवर को होस्ट डॉक्टर नीलम आंटी। जी अंकल, आज हमारा डॉक्टर्स का सेशन है। यस यस, शुक्राना महाराज। शुक्राना शुक्राना। डॉक्टर नीलम,
आंटी आप कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? निमिश अंकल, डॉक्टर आई थिंक नीलम, दैट्स अभी आई थिंक रॉन्ग नी नीलम आंटी. अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी, नीलम दुग्गल गलती से हो गई है. सॉरी. इट्स ऑल गुरु जी अंकल. जय गुरु जी नीलम यस आंटी, जय गुरु जी. जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज का शुक्राना मल्टी सिंगल फेस गुरु जी, ग्रुप जो जय इतना गुरु अच्छा जी. काम कर रहे हैं. आंटी आपने बिल्कुल ठीक बोला कि शुकराना जो हमारा आंटी बिजनेस आप है पहले उसमें तो हमने मैच मैच कर रहे हो गुरु जी के साथ, आप गुरु जी के साथ टोटली मैच हो रहे हो. देखो आपकी लिपस्टिक भी मैच हो रही है. शुकराना. शुकराना. और क्या बोलूं इस ग्रुप के, मतलब इतना ज्यादा मेरे पॉजिटिविटी है ना. देखो आज मेरे को इतना अच्छा लगा. आई डोंट नो, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट अरेबिक थिंग, बट मुझे सुन के इतना मजा आ रहा था. एंड आई कुडंट रेजिस्ट माय सेल्फ टू जॉइन दिस ग्रुप, यू नो, मतलब जॉइन दिस जूम प्लेटफॉर्म. तो हालांकि बहुत सारे काम थे मेरे का, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के. और जैसे डॉक्टर ने बताया, इट्स वेरी ट्रू, यू नो, कि आप सिर्फ गुरु जी पे अरदास करते रहो. इस जय गुरु जी बोलने में इतनी ताकत है. जैसे मैंने भी बताया कि जब 10 साल पहले मेरे को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि सिर्फ मेरे पास 15-20 मिनट बचे हैं, मेरे हस्बैंड को बोल दिया था. एक डॉक्टर आते हैं अंदर और कहते हैं बोलो जय गुरु जी, एंड आई सेड जय गुरु जी, कहते हैं आप हो गए बिल्कुल ठीक. तो सोचिए कहाँ डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था. इट्स वेरी ट्रू कि आपके पास अगर मंत्र जाप भी नहीं कर पा रहे हो तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आप बोलते रहिए, इज वेरी पावरफुल. मैं तो खुद, इनफेक्ट गुरु जी ने ड्रीम में ये बात बोली भी थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो 3 बार जरूर बोलना जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी. और इनफेक्ट डॉक्टर ने तो कभी, मतलब डॉक्टर पूजा ने तो काफी कुछ बता ही दिया है. और आई थिंक सभी को पता है, बट छोटी छोटी जो प्रिकॉशंस हैं, छोटी छोटी चीजें हैं वो रखिए. और प्लस जो मंत्र जाप है, जो आपकी चीजें हैं उनको डेफिनेटली आप 24/7 जो है ना अपने मन में जाप करते रहिए, उस चीज का सुनते रहिए उसको. उसको खुद नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट सुनते रहिए उसको. लेकिन जब खाना बनाते हुए, काम करते हुए, मन में सिर्फ वो जाप चलता रहना चाहिए, अदरवाइज जय गुरु चलता रहना चाहिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए इस टाइम की सबसे बड़ी वैक्सीन, सबसे बड़ी दवाई सिर्फ यही है. और आई थिंक शिव पुराण में भी, आई थिंक इट्स देयर ओनली, इट्स अ फैक्ट. इसमें बार बार एक वर्ड आता है, इसमें कोई संशय नहीं है. तो रियली इसमें कोई संशय नहीं है कि जब आप शिव पुराण पढ़ते हो, गुरु जी का गुणगान करते हो, भगवान का गुणगान करते हो, डेफिनेटली आप अपने कर्म कटवा रहे होते हो और अपनी चीजें ठीक कर रहे होते हो. उसको हमें ठीक करने के लिए हमें ये चीजें बहुत जरूरी है कि उस परम पिता परमात्मा पे, जो हमारे गुरु जी हैं, जो को देखिए day 1 ही मेरे हस्बैंड को ये चीज दिखा दी थी उन्होंने, वहां बैठे हुए एम्पायर स्टेट में. day 1 था हमारा, वो तो लड़के वहां पहुंचे थे और मेरे को लेने गए थे कि किस बाबा के चक्कर में फंस गई है. अब मेरे से ज्यादा वो बाबा के चक्कर में फंस गए हैं इनफैक्ट. और day 1 उन्होंने दिखा दिया था कि ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स. जितनी गैलेक्सीज है, जितनी भी आप सोच सकते हो, वो सब गुरु जी के आसपास घूम रही है. एंड बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो तो उन लोगों में से जो बाल की खाल में निकाले वाले लोगों में से, लेकिन गुरु जी का ही रूप देखे वो खुद नतमस्तक हो गए. अब मेरे से ज्यादा उनका बिलीफ है इसके अंदर. तो आई थिंक सब गुरु जी सर्वदा भला करे. और यही सबसे अरदास करिए कि सर्वदा भला होए और सबके लिए अरदास करिए. पता नहीं कब किसकी अरदास, कब किसकी दुआ किसको लग जाए. कहते हैं दुआ भी तकदीर बदल देती है, तो पता नहीं कब किसकी तकदीर बदल जाए और कैसे चीजें चेंज हो जाए. तो बस दुआ करते रहिए और अरदास करते रहिए और शुक्राना गुरु जी का. और शुक्राना साक्षी आंटी, पूजा आंटी, अंकल वासन अंकल और एवरीवन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, निमेश अंकल जो इतनी मेहनत कर रहे हैं. और देखिए रोज आते हैं, इट्स नॉट इजी कि रोज आके आप किसी मतलब प्लेटफॉर्म पे आपके बोलो या उसको मैनेज करो, बट डेफिनेटली यू आर डूइंग. अगर हम लोग डॉक्टर्स होके कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर पूजा तो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है, मैं लोगों को वैसे एडवाइस कर रही हूँ, बट आप भी, मैं इनफैक्ट लिखने वाली थी पता है साक्षी आंटी को कि आंटी जब देखो आंटी का आ जाता है लिंक ओपन, यू नो, सारा दिन शी इज डूइंग दिस थिंग. और मतलब यहाँ पर भी वो बैठे हुए हैं और मैं कह रही हूँ अच्छा आंटी यहाँ पर भी आ गए. और देखिए ये भी एक सेवा है. और डेफिनेटली जो सुरेश वासन अंकल की ने जो सेवा शुरू की है कि मल्टी लिंगुअल का, डेफिनेटली ये तो बहुत लोगों तक पहुंची है, बहुत लोगों तक पहुंची है कि वो लैंग्वेज में बोल क्या रहे. हमारा पर्पज, अंकल का सब ये पर्पज था जब अंकल ने मुझे बताया, तो हम लोगों ने ये चीज इसी तरह से स्टार्ट की. और डेफिनेटली अंकल का मेन विजन है ये, तो अंकल को सारा क्रेडिट जाता है. और कि वैसे तो खैर टीम पूरा उसके हकदार है उस चीज की भी, बट डेफिनेटली इट गोज टू वासन अंकल ओनली. कि कोई तो सुनेगा, 2 शब्द किसी के कानों में कुछ और लैंग्वेज के पढ़ेंगे तो वो लैंग्वेज वाला ये सोचेगा कि अरे ये मेरी लैंग्वेज में क्या बोल रहा है. और आई थिंक वो होनी स्टार्ट हो गई है. तो आई थिंक इसी के साथ ही शुक्राना गुरु जी का. थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू एवरी वन, थैंक यू सो मच. जय गुरु जी. थैंक यू नीरव आंटी. मेरी गौरी त्यागी आंटी से रिक्वेस्ट है, प्लीज 2 मिनट 2 शब्द बोलेंगी गौरी त्यागी आंटी. निमेश अंकल
गोरी तागी आंटी को कॉल बनाएंगे प्लीज जी अंकल बना जय गुरु जी सारी संगत को जय गुरु जी गुरु जी ने कहां कहां गुरु जी ने कहां कहां से सेवा धार दूं मैं आजकल मेरे दिमाग में एक ही बात आ रहा है देखो गुरु जी नई जनरेशन तैयार कर रहे हैं क्योंकि अगले 20-30 इयर्स में सारी पुरानी जनरेशन तो पता नहीं कहां होगी सत्संग कर भी नहीं पाई अगर हुई भी तो हम लोग कब तक सत्संग करेंगे ना तो देखो गुरु जी अपनी नई जनरेशन तैयार कर रहे हैं कितनी अच्छी बात है अब सारे यंगस्टर जुड़ गए सत्संग में सब नए नए सत्संग में सब लोग होस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है देख के और गुरुजी सबको गाइड करते हैं जैसे हमको किया आपको भी गाइड कर रहे हैं हमारे थ्रू तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा ये अंकल ने शुरू किया है नया प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल में तो हर लैंग्वेज में हर इंसान गुरुजी से जुड़ सकता है बिकॉज गुरुजी को ये नहीं कि इंडिया में ही जो है वही गुरु है गुरुजी यूनिवर्सल गुरु है तो सारी सृष्टि ने जुड़ना है मैं तो सोचती हूँ सारी सृष्टि गुरुजी की संगत है कोई प्रेजेंट है कोई फ्यूचर संगत है पर है तो गुरुजी ये सब लोग क्यों में हैं कुछ अभी जुड़ गए कुछ जुड़ने वाले हैं तो जस आप सब लोग जिसको जो सेवा मिले करते रहो जय गुरुजी पूजा आंटी आपने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया बहुत ही अच्छा मैंने सुना आपका पूरा सत्संग नीलम आंटी आपने भी सब लोग दिल आजकल सब लोग गुरुजी की सेवा में लगे हुए हैं गुरुजी ने किसी न किसी को सबको सेवा दे के देखो कितना अच्छा किया और जो सेवा करता रहता है ना उसका ध्यान हमेशा गुरुजी में रहेगा तो आपका ध्यान इधर तो जाएगा भी नहीं सारा दिन कोरोना के ये लेक्चर सुनने से और ये सारा दिन कोरोना का यूट्यूब के वीडियोस देखने से मच बेटर है कि हम गुरुजी में ध्यान लगाए गुरुजी का मंत्र जाप करें वही इतना पावरफुल हाँ जी ये सारा टाइम नहीं सुननी चाहिए वीडियोस क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है मुझे तो ABC नहीं पता था और देखो मुझे कैसा स्वाइन फ्लू हो गया था H1N1 हो गया था तो गुरुजी ने बचाया तो जितना एनर्जी जरूर सुनना चाहिए ऐसा नहीं कि आपको पता होना चाहिए बट ये नहीं कि ऑल द टाइम आप वही सुन रहे हो इतना एनर्जी हमको गुरुजी में लगानी चाहिए गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी चाहिए पूरा टाइम ऐसे नेगेटिव लेक्चर नहीं सुनने चाहिए मैं तो यही कहूंगी थैंक यू सबका थैंक यू सुरेश अंकल थैंक यू पूजा आंटी थैंक यू नीलम आंटी थैंक यू साक्षी आंटी जय गुरुजी सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना जय गुरुजी शुक्राना महाराज जय गुरुजी साक्षी आंटी आई रिक्वेस्ट रेखा पालीवाला आंटी प्लीज फॉर 2 मिनट्स वी हैव टाइम रेखा पालीवाला आंटी हां जी निमिष अंकल रेखा आंटी प्लीज आप उनको अनम्यूट कर दीजिए बिल्कुल नवल अंकल आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं नवल अंकल हेलो जय गुरुजी अंकल जय गुरुजी सात संगत जी जय गुरुजी गुरुजी का संगत सत्संग करने के लिए तो शब्द जल्दी मिलते ही नहीं है क्योंकि पूरी बात नहीं बोल सकते इतना शुक्राना और अभी हम लोग मैं और मेरे अंकल दोनों जब ये सुन रहे थे तो जब हम ये सत्संग सुन रहे थे तो एकदम से जब डॉक्टर्स की बात हुई तो मैंने लगा कि आज इनको भी करना पड़ेगा क्या सिर्फ एक
मेरे मन में ऐसा विचार अंदर ही आया अभी सुनते हुए, अभी तो मैंने बोला भी नहीं इनको, और तब तक गुरुजी ने अंकल के नहीं तो उनका तो नाम आप बोल तो तो हाँ तो मैंने तो आपको ना बोला था, तो अभी आप कहाँ पर हो? आ जाओ ना 2 मिनट के लिए, टाइम है। हेलो हाँ, नहीं मैं अपनी अपनी तरफ से बता रही हूँ कि मैं नवल आंटी बोल रही हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसे सुनते सुनते और इतना अच्छा लग रहा था पूजा आंटी का सत्संग सुन के, नीलम आंटी का सुन के, और जब अंकल ने बोला आज तो लगता है ये प्लेटफॉर्म डॉक्टर सत्संग के लिए है, तो एकदम से ऐसा आया कि कहीं इनका नाम तो नहीं बोलेंगे अंकल, ऐसा मेरे मन में विचार आया था। तो ओवर टू डॉक्टर नवल अंकल। हेलो हेलो हेलो, जय गुरु जी अंकल। हाँ जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के सत्संग से बहुत से है, अब हमेशा हम देखते हैं ना कि गुरुजी हमेशा अपने को संकेत देते थे, जहां तक मैंने बहुत सत्संग अटेंड किए थे तो उसमें पता चलता था कि गुरुजी हमेशा सभी को संकेत देते हैं, किसी ने किसी में दिया तो आपको गाड़ी दिख जाएगी जिसके ऊपर गुरुजी लिखा हुआ हो, या तो आपको एंट्रेंस फ्रेग्रेंस आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा तो ऐसा। एक बार मैं इंदौर में जा रहा था, मतलब वहां पर किसी रिलेटिव के यहाँ पर शायद किसी की बरसी थी, तो सैटरडे के दिन हमको जाना था, और मतलब उस दिन वो शनि अमावस्या थी एक्चुअली, तो मैं ये अवंतिका एक्सप्रेस से हमारा रिजर्वेशन हुआ था, तो अवंतिका से 7 बजे निकल दिए मुंबई सेंटर से, तो मैं आप समझिए नागदा स्टेशन सवेरे सवेरे 6 बजे ऐसे ही वहां पर जाया। अभी और भी संगत मतलब और भी लोग पहले थे, कोई अपने पहचान का तो था नहीं, तो सवेरे सवेरे फिर मुझे अभी वहाँ ऐसे भी कोई आया नहीं। मुझे ऐसा ऐसे ही मन हुआ मेरा, अरे अरे यार अगर चाय वगैरह मिल जाए तो बड़ी अच्छी हो जाए, क्योंकि ऐसे में था, और पता नहीं वो बाजू वाले अंकल जो है ना, पता नहीं वो कुछ चाय वगैरह बना रहे थे ऊपर वगैरह, तो फिर उन्होंने जैसे मुझे बोला, बोले अंकल आप चाय पियोगे? तो मैंने बोला बोले जय गुरु जी। मैं चलो अंकल ने मेरे को चाय भी दे दी, फिर मैं अंकल से वो चाय वगैरह दे दी, फिर मैंने ऐसी बातचीत शुरू की। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप वहां से रहते, मैंने आप उज्जैन रहते हो क्या? बोले नहीं वैसे तो मैं बॉम्बे रहता हूँ। मैंने कहाँ रहते हैं बॉम्बे में? तो बोले मैं गांधीवली में रहता हूँ। तो मैंने अभी कुछ किसी काम से जा रहे हो क्या? नहीं, बोले आज शनि अमावस है ना, तो बोले हमारा नियम है बोले कि हम लोग शनि अमावस के दिन जाते हैं, भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं, और फिर बोले दूसरे दिन हम लोग लौट के आते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनको ऐसे बोला, मैंने आप कभी, चलो आप भगवान शिव जी की बात कर रहे तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैंने आप कांदीली में कभी बड़ा एक मंदिर है गुरु जी का आश्रम, आप कभी गए हैं क्या? तो बोले नहीं मैं तो कभी गया है नहीं। तो मैंने मेरे कहने पर आप एक बार जरूर जाएंगे, तो आप कांदीली में रहते हो? मतलब मैं तो साइंस से अप डाउन करता हूँ, मैं हमेशा जाता हूँ, मैंने बहुत अच्छी जगह, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप भगवान शिव के भक्त हो इसलिए। तो बोले तो मैं मुझे भी पूछा उन्होंने कि बोले आप क्यों जा रहे थे? बोले एक्चुअली ऐसा था किसी की डेथ हो गई थी, तो मैंने कहा आज मतलब 12 दिन पूरे हो गए, तो बस मैंने अभी मैं सुबह पूछूंगा, और मैं सोच रहा था नहा धो के अगर वक्त है तो मैंने कहा मैं शिव जी के दर्शन लेके आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बोले आज तो आपको दर्शन होने से रहे बोले, क्योंकि आज तो बहुत भीड़ रही थी, बोले आज तो लाखों की भीड़ रही थी, बोले तो उनके दर्शन अपने को आपको नहीं हो सकते। मैंने कहा मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया, मैंने कहा मैंने ठीक है, मैंने जैसे गुरु जी की इच्छा ऐसा, तो मैंने ऐसे मनी बोला, मैंने गुरु जी उज्जैन में जा रहा हूँ, महाकाल का मंदिर भी है, मैंने आपके दर्शन हो जाते तो बड़े अच्छे होते हैं सर। तो पता नहीं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मुझे इतना इंटेंस फ्रेग्रेंस आया वो गुलाबों का, और वो मैं बोला यहाँ के तो पता चला, तो एसी में एक सुबह वाला आदमी झाड़ू मार रहा था, और मुझे सुगंध गुलाबों की आ रही थी। मैंने उनको पूछा भी अंकल, मैंने अंकल आपके पास कोई गुलाबों का कोई गुच्छा वगैरह क्या? बोले नहीं। तो मैंने मुझे बहुत गुलाबों की फ्रेग्रेंस आ रही है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अब मेरे दिमाग में चढ़ गई, पर पता नहीं मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि शायद मैंने दर्शन लेने की बात मन में सोची, तो हो सकता है मैंने गुरु जी ने मेरे को संकेत दिया कि मैं तुम्हारे साथी हूँ, उसमें उदास मौत हो। तो फ्रेग्रेंस जो थी ना वो उज्जैन पहुंच गया तब तक वो मुझे आ रही थी सुगंध,
उज्जैन स्टेशन पे उतरा तब तक भी मुझे आ रही थी और मैं वहां पहुंच गया तब जाके वो खत्म हुई। फिर भी नहा धो के मैंने चला, मैंने चलिए देखते जैसा भी हो तो अपन हो आएंगे। तो फिर भी मैं वहां महाकाल के मंदिर गया तो वहां पर बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगाया होता हूँ, वही पर भगवान शिव का दिख गया मुझे। आई वॉज वेरी हैप्पी, तो मैंने दूर से ही प्रणाम कर लिया। जैसे मैं वहां हमेशा जाते रहते तो मुझे मालूम है कि हर सिद्धि का मंदिर है, तो मंदिर में मैंने वहां दर्शन कर लेते, तो हर सिद्धि के मंदिर में दर्शन के लिए भी गया। और वही बाजू में एक छोटा सा शिव मंदिर था, तो वहां जाके मैंने अच्छे से उनकी पूजा वगैरह की, वही मंत्र जाप वगैरह किया और फिर वहां से मैं लौट के आ गया। तो इस तरह से वो गुरु जी ने मुझे जैसा भी संदेश देना था दे दिया। मतलब गुरु जी अपनी छोटी छोटी बातें जो रहता है वो इस तरीके से पूरी करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है ऐसा। और ऐसा ही एक बार मतलब इसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए कि 1997 में जब मेरी सर्विस चली गई थी, तब दिसंबर में सर्विस गई थी, तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैं सोचा था मैं चलो शिरडी जाके आएंगे। तो आई वेंट टू शिरडी, तो मैं सवेरे सवेरे 4 बजे पहुंचा। और मेरा प्लान ये था कि तब मैं गुरुजी को नहीं जानता था, ऑफकोर्स मुझे गुरुजी के बारे में कुछ मालूम आती नहीं थी, तो मैं 2012 के बाद पता चला। तो ये बात 1997 की है, तब तो गुरुजी रहे होंगे, पर बैड लक हमारा कि अब उनके उनको माने हुए रस्म नहीं देख पाए। तो मैं शिरडी सुबह 4:30 बजे पहुंचा और दर्शन के लिए मैंने सोचा काकड़ आरती वापस जाएंगे। तो वो जो क्यू थी तो बिल्कुल शिरडी में बिल्कुल बिल्कुल फार्म हाउस के पीछे तक लेके गई। शिरडी में मुझे दर्शन हुए दिन में 12:45 मिनट, तो और लिटरली दैट वाज आल्सो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो मैंने दर्शन तो किए, लेकिन मैंने वहां से कसम खा ली कि मैंने बाबा जी मैं अभी कभी दर्शन के लिए आऊंगा नहीं शिरडी में जब तक आप ब्लॉग ही नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद आपने मुझे नहीं बुलाया है, ऐसा मुझे मन ही मन लगा। तो मैंने अभी मैं कभी नहीं आऊंगा आपके दर्शन के लिए आप। मैंने कहा बम्बई में बहुत जगह साई बाबा के मंदिर है, आपके मंदिर है, तो इसलिए मैंने वही दर्शन ले लो। मैंने मैंने सोचा था कि भाई जहाँ पर आपकी समाधि है उस स्थान का एक महत्व होता है, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन मैंने कहा मैं आज मतलब बहुत ही दुखी हूँ, ऐसा करके मैं वहां से निकल गया। संगत जी आप सुनिए, 1997 के बाद में 2017 तक मैं कभी शिरडी नहीं गया। उसके बाद भी हमारी एक रिलेटिव की मतलब मेरे भाई की लड़की की शादी निकली, तो 30 अप्रैल 2017 में मैं शिरडी गया। तो शिरडी जब गया तो मैं रात का रिजर्वेशन था, तो मैं सवेरे सवेरे वहां पहुंच गया क्योंकि उन लोगों ने साई कॉम्प्लेक्स बुक करके रखा था। तो मैं सवेरे सवेरे पहुंच गया वहां पर, मतलब शिरडी में तो ये बस तो बहुत जल्दी पहुंच जाती है, तो सवेरे मतलब अर्ली मॉर्निंग 2:30-3 बजे पहुंच गई थी। तो मैंने ऑटो वालों को बोला कि भैया तू वो साई कॉम्प्लेक्स में लेके जब साई कॉम्प्लेक्स में गया तो वो साई कॉम्प्लेक्स में तो अंधेरा था, तो मैंने पूछा भी वहां तो कोई भी था नहीं। तो फिर मैंने फोन लगाया इन लोगों को, ये लोग बोले कि भो आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, तो 12 बजे आओगे। मैंने आपने बताना चाहिए ना प्रोग्राम क्या है आप लोगों का। तो मैंने ठीक है अभी है, बोले आप लोग हम लोग तो 12:30 बजे। मैंने ठीक है, फिर मैं वो ऑटो वालों को बोला मैंने एक काम कर मुझे कहीं पर भी किसी होटल में लेके जा। बोले साहब आज यहाँ रूम कहाँ मिलेगा आपको, आज तो लाखों लोग आए हो मेरी यहाँ। मैंने यार तू कहीं पर भी लेके जितने आउटर में ले सकता है वहाँ लेके जा, लेकिन मुझे लेके जा, मुझे नहाने धोने तो दे। पता नहीं वो आधा एक घंटा घुमाते हुए कहीं एक बहुत आउटर में मुझे लेके गए, एक जगह एक रूम दी मैंने। तो वो टाइम को समझे 6:30 हो रहे थे, मैंने नहा धो लिया। तो फिर मैंने उसको बोला था रूम वाले को, बोला मैं खाली कर दूंगा क्योंकि मुझे साई कॉम्प्लेक्स में जाना है, तो सामान मैंने वही रखा। तो जैसे बाहर आया तो उसको मैंने बोला कि मैंने कहा बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे क्या। अरे साहब क्यों मजाक कर रहे, बोले साई बाबा के दर्शन कहाँ होंगे, बोला अगर अभी आप खड़े हो गए आपको हो जाएंगे, बोले 4:30 बजे। मैं ठीक है भैया छोड़ो, मैंने पता नहीं मेरे मन में आया कि वहाँ पर जो शिरडी में बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास में भगवान खंडोबा का मंदिर है। तो जो भगवान खंडोबा जो है ना वो मार्तंड भैरव के अवतार है, और मार्तंड भैरव जो है शंकर जी के, और शंकर जी मतलब हमारे महाशिव है। अल्टीमेटली मैंने कहा मैं गुरु जी के दर्शन करूंगा, तो आई वेंट देयर। तो मैं वहाँ खंडोबा के दर्शन के लिए किया, तो मैंने वहाँ जाके मैंने मंत्र जाप किया और गुरु जी का प्रणाम किया, मंत्र जाप मैंने 7-8 बार किया वहाँ पर। और वहाँ पता नहीं मेरे मुँह से ऐसे लग रहा, मैंने गुरु जी आपके तो दर्शन मुझे हो गए, बस मैं बहुत खुश हूँ। मैंने लेकिन अभी शिरडी जैसी जगह आए तो मैंने कहा साईं बाबा के भी दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। मैंने ठीक है फिर कभी।
ऐसा मेरे मुंह से निकला। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले साई कॉम्प्लेक्स देख आते हैं कि अगर वो लोग आ गए हैं कि क्या नहीं। तो मैं वहां जब 7:30 बजे पहुंचा तो वहां पर वो लोग डेकोरेशन वगैरह वाले कुछ तैयारी कर रहे थे। मैं अंदर जाके उनको पूछा तो बोले नहीं वो 12:30 बजे। फिर मैं वहां से लौटने लगा तो एक कार आई उधर से, तो कार से एक सज्जन निकले। वो बोले कि यहाँ पर वो जो आने वाले थे, बोले नवाल परिवार के लोग, बोले वो आए क्या? मैंने नहीं, वो तो 12:30 बजे आने वाले। तो फिर मैंने बोला आपका परिचय? तो बोले मैं लड़के का मामा हूँ। तो मैंने कहा मेरे भाई की लड़की है, तो मेरे चचेरे भाई की। अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा फिर लेकिन आप लोग तो 12:30 बजे आओगे ना? नहीं बोले मैं यही आया था, शिरडी आया था, तो अभी तो बोले मैं लौट जाऊंगा सदन में, फिर बाद में आऊंगा। ठीक है चलिए मिलते हैं, मैंने कहा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि बोले अभी आप क्या कर रहे हो? मैंने अभी क्या करे, मैंने आया तो वेट एंड वॉच, मैं तो बस इनका इंतजार करूंगा। तो बोले चलो साई बाबा के दर्शन। अरे मैंने कहा माफ कीजिए, मैंने बाबा जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे ना 8-10 घंटे। मैंने कहा मुझे, अरे बोले आप मेरे साथ चलिए। तो फिर मैं उनके साथ जो कार में बैठा, वहाँ एक जगह जाके उन्होंने कार पार्किंग में लगा दी। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, विद इन 1 मिनट आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द समाधि। 1 मिनट में मैं समाधि के सामने था और मैं 5 मिनट वहां खड़ा रहा। मैंने कहा, मेरा अचरज हो रहा था कि मेरे बाबा जी के इतने जल्दी दर्शन हो गए मुझे विद इन 1 मिनट। फिर वहां से मैं, वो बोले चलिए आपका दर्शन होगा। मैंने हाँ, मैंने सब आपकी कृपा है। अरे मेरी कृपा क्या है? तो बाबा जी की कृपा, बाबा जी ने आपको बुलाया, मैंने थोड़ी कुछ किया। बोले चलिए। फिर वहां से वो मुझे वो द्वारका में लेके गए। अब वहां भी भीड़ बहुत थी लेकिन उनके लिए कोई भीड़ नहीं थी। तो वहां पर वो मुझे किसी से मिला है, तो वो जो शख्स था जिससे मेरी मुलाकात कराई, वो जो साई बाबा जिसको मम्मी बोलते थे, भाई सामा बोलते थे, उनका जो लड़का था तात्या, उसका वो ग्रैंडसन था, उससे मेरी उनकी मुलाकात करवाई। तो उन्होंने नारियल वगैरह मुझे दिया, फिर उन्होंने धुनी पर लगाने के लिए दिया, फिर साई बाबा के जो जिस पत्थर पर बैठते थे वहां पर माथा टिकवाया, वहां से जाके फिर वो मुझे लेके गुरु समाधि के पास में आए। फिर वापस जो वहाँ जो साई बाबा जिनको गुरु गुरु की समाधि थी, गुरु स्थान, वहां पर उन्होंने मत्था टेकाया। फिर वहां पर धुनी जल रही थी, फिर वो कुछ दोबार लेके आए, मुझे बोले कि आप इसमें डालिए सब। तो बोले अब आपकी जो भी इच्छा है वो मन में पकड़ के लोहार इसमें डाल दीजिए। बोले यही लोहार नीचे जाके जलता है, उसकी बोले विभूतियां बनाई जाती है, सब भक्तों में बांटी जाती है। मैंने जय साई बाबा। फिर वो अंदर गए, अंदर जाके फिर उन्होंने ढेर सारी विभूति मेरे लिए लाके दे दिए, प्रसाद भी लेके, बोले आप घर लेके जाइए। मैंने कहा देखिए सब आपकी वजह से मुझे संभव होता है। अरे मेरी कुछ नहीं, ये सब बाबा जी की कृपा है। बोले मैं कौन हूँ? बोले मैं तो निमित्त हूँ। बोले फिर वहां से वो मुझे शनि मंदिर लेके गए, हनुमान जी के मंदिर। मुझे आपसे किए 10 मिनट के अंदर मुझे पूरे शिरडी के दर्शन करके वे बाहर भी आ गए। तो फिर गुरु जी ने, मैंने इतनी सी बात मैंने मन ही मन बोला और वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। और आज हालात ये है कि जिस शख्स से मेरी पहचान हुई थी वो मेरे व्हाट्सएप में भी है। हर सवेरे उसके शिरडी के साई बाबा के मुझे 8-10 फोटो भेजते रहते, काकड़ आरती की टाइम की उनकी फोटो, वो जो ड्रेस चेंज करते हैं उनकी दूध से मिलाया जाता है उसकी फोटो, दोपहर की आरती की फोटो, शाम की आरती की फोटो, रात की आरती की फोटो, हर रोज मुझे वो व्हाट्सएप से भेजते रहते साई बाबा के दर्शन कराते। और मुझे उन्होंने बोल दिया, बोले आपको जब भी शिरडी में दर्शन करना आना हो तो आप मुझे एक दिन पहले बता दिया करो, तो आपको लाइन में कभी खड़ा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले बाबा जी को मैं आपको डायरेक्ट दर्शन करा। मैंने देखिए गुरु जी ने मेरी इतनी अच्छी व्यवस्था करा दी थी। मैंने कहा जय गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी अंकल। हेलो, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। गुरुजी मतलब छोटी छोटी बातें भी जो है सब पूरी कर देते हैं। गुरुजी सब सुनते हैं अंकल। एक मन में हल्का सा थॉट भी आता है ना गुरुजी, उसका भी बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा। शुक्राना महाराज, शुक्राना, शुक्राना। तो अपनी इच्छा पूरी जरूर करते हैं छोटी छोटी इच्छा। हाँ जी बिल्कुल अंकल, बिल्कुल, नो डाउट। जय गुरु जी अंकल। अभी तो मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है अंकल। आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, आपको फुल आप पूरा अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा, दोबारा से आइएगा विद मोर टाइम। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि पता रहते तो थोड़ा दिमाग में रहता है, थोड़ा पॉइंट्स अपने को ध्यान में रहते हैं कि अपने को ये सत्संग बताने का है तो बता देते थे। अच्छा अच्छा नमस्ते गुरु जी, जो जो मुझे याद आए वो मैंने बताया। जय गुरु जी सत्संग जी, हाँ जी जय गुरु जी सत्संग जी। साक्षी आंटी प्लीज आगे लेंगे। अरे गुरु जी जय गुरु जी, हाँ मुझे सत्संग याद आए, मैं सोचता हूँ वो बता दू एकदम, तो बता सकता हूँ अंकल। हेलो अगले टाइम में जब मेरा आएगा तब तो मैं सब बताऊंगा ना। हाँ जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। निमिषा ओवर टू यू फॉर शुक्राना का बहुत बहुत जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
जय गुरु जी, सुरेश अंकल, जय गुरु जी।